आज सुबह मैं जैसे ही घर से बाहर निकली ना थोड़ा सा दूर, ओ माय गॉड, देखें ज़रा बादल कितने ज़बरदस्त हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू गाइज़ आर वेल। सो आज मैंने डिसाइड किया कि मैं आप सब लोगों के साथ ना एक फुल लॉन्ग व्लॉग शेयर करती हूँ। सो बस मैंने स्टार्ट कर दिया, आप लोग को कैसा लगा आप लोग मुझे कॉमेंट्स में बताइएगा एंड अपने रिव्यूज़ दीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच इसके लिए। और मेरे तोतों को तो देखें ज़रा कितना शोर मचा रहे हैं। ये मोटर चल रही है ना तो आपका आवाज़ चेक क्लियर ना आएगी, लेकिन ज़रा नहीं, ये जब सुबह उठ जाते हैं ना तो बस इनको बाहर आना होता है, और ये जब तक तो खामोश नहीं होते तो बाहर ना आते, और बाहर आके जो बर्ड्स को देखते हैं तो ज़्यादा चीखते हैं। तो देखें भाई आज मौसम बड़ा अच्छा हुआ है, उनको पता नहीं क्या हो रहा है, उड़ते जा रहे हैं बार बार। और देखिए गार्डन में ना सारी मैना बैठी हुई है इस साइड पे, अब ये बेचारे पता नहीं क्यों उड़ के जा रहे हैं, आधे ये विला पे जाके बैठ जाएंगे, आधे यहीं हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बैठे होते हैं विला पे। ये देखें ऊपर, हम पीछे चले जाते हैं, बेचारे हमसे डरे ना ना। गार्डन में ना पानी भी खुला हुआ है तो ये सब ना वहाँ जाके बैठ जाते हैं, और ऊपर से सर्दी है ना तो सर्दी में जब सूरज की वो आती है ना धूप तो बड़ा अच्छा लगता है, तो ये सब गार्डन में बैठे हुए और कुछ इधर बैठे हुए। ये भी गोश्ते नहीं जा रही थी कैट को, और हमारी कैट पता नहीं कहाँ है, घूमते फिरते हुए आती है, पता नहीं कहाँ चली गई है। कम कम कम, अच्छा ये कैट्स इतनी अच्छी हैं, जब से हम इनको देने लगे हैं खाना वगैरह ना तो ये हमारे तूतों को कुछ भी नहीं कहती, वरना पहले बहुत डरा। तो इसको खाने दें चिकन, इसको चिकन इंजॉय करने देते और हम जाते अपनी चाय बनाने, और फाइनली शुक्र ये चाय बन गई थी, बिकॉज मैं कब से कंटिन्यूसली कहीं ना कहीं जा रही थी। टी ट्वीटी जब विसल जाती है उसकी एक अलग सी आवाज़ होती है, मैं जैसे ही बाहर गई थी मुझे देखते ही चुप हो गई। सर मैं दोबारा किचन में आ गई, घर पे कोई था नहीं तो मैंने कहा चलो अभी कुकिंग स्टार्ट कर देते हैं, बिरयानी बनाते हैं। मगर मेरी अम्मी कह रही थी बेटा तुम बना देना तो हम लोग लेट आएंगे, वो बाकी बहुत लेट आए थे, शाम में आए थे 6-7 ऐसे ना इतने टाइम में। सो बिरयानी मसाला तो ना रेडी हो गया, और बस इसको ना थोड़ा सा रोस्ट करना था, इसकी बुनाई करनी थी, लाइक ना थोड़ा जो टमाटर और प्याज है उनको बिल्कुल ना फ्लैट कर देना, पीस देना है, और फिर बस फाइनली इट्स रेडी। सो मैंने ना जल्दी से क्या कहते हैं चावल के लिए पानी भिगो दिया, पता नहीं इतनी चीज़ें डालते ही नहीं, मैं तो इतने टाइम बाद बिरयानी बनाई थी मैं चीज़ें भूल जाती हूँ। सो खैर ये बनी बहुत मज़े की थी, सीरियसली नो डाउट बहुत मज़े की बिरयानी बनी थी, और राइस भी ना एकदम ज़बरदस्त थे, कोई एक हो जाता है ना राइस बैठ जाते वो नहीं थे, बहुत मज़े की बनी थी बिरयानी। सो अब ना इसको लेयर लगा रहे थे तो मैंने इसके अंदर मसाला डाला, राइस डाले और साथ ना जर्दे का रंग डाल दिया, और फिर मैंने ना बीच में टमाटर भी रखे थे, मुझे पता नहीं क्यों बिरयानी के अंदर ना टमाटर खाना बहुत पसंद है, तो मैंने ना टमाटर को बिल्कुल बारीक स्लाइस करके बीच में भी रखा था, मतलब जो इसकी लेयर्स बन रही थी ना 2-3 उनके बीच में भी और सबसे ऊपर भी रखा था, और ये फाइनली रेडी हो गई ये बिरयानी, और सीरियसली मैंने इसकी फ़र्स्ट बाइट ली, बहुत मज़े की बनी थी बहुत ज़्यादा। आप देख सकते हैं कितने हर कलर अलग अलग आ रहा है, वाइट, ऑरेंज और थोड़ा सा येलो, और ये बहुत अमेजिंग था। सो आप लोग को कैसा लगा ये मेरा व्लॉग, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, और अगर ना भी लगे तो प्लीज़ फिर भी कर दें। ये देखें ये कैट स्टिल यहीं घूम